बिसमीम अलैक्म डेयर स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर वेल टुडे आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट एंड सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर फाइव स्ट्रक्चर ऑफ़ एन एटम आज के हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ़ एन एटम यूनिट नंबर फ़ाइव उसके रीड करेंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे वन बाय वन उनके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और देन हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नाउ लेट्स स्टार्ट लेट सी इफ़ यू रिमेंबर वॉट इज़ अ मैटर मेड ऑफ कैन यू सी एन ऐटम विच इज़ स्मॉलर एन ऐटम और अ मोलिक्यूल आप अगर देखें तो आपको याद होगा कि मैटर किस चीज़ से बनकर बना हुआ है क्या आपने एटम कभी देखा है क्या एटम स्मॉलर है मॉलिक्यूल स्मॉलर है या एटम स्मॉलर है द मैटर इज मेड ऑफ Tiny particles called atoms just as a wall is made of small bricks. Living organisms consist of cells and honeycomb is made up of smaller hexagonal cells. Element is a pure matter which has the same type of atoms and retain all the chemical properties of that element. For example, a gold coin is made up of gold, gold atoms but put together in a shape of a coin. आपको पता है कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स छोटे छोटे स्मॉलर और पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटम अब जैसे कि हमारे पास एटम की एग्जांपल हम लोग इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक दीवार है जैसे कि एक वॉल है हमारे पास एक दीवार है वो छोटे छोटे ब्रिक से मिलकर बनी होती है ठीक है ईंटों से मिलकर बनी होती है तो इसी तरह जैसे कि हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है ठीक है और हनी कॉम की एग्ज़ाम्पल लें तो वो जो है हेक्सागोनल सेल से मिलकर बना होता है तो ये हमारे पास एटम्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट हमारे पास क्या है कि एक प्योर मैटर होता है ठीक है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ क्या होते हैं एटम्स होते हैं और उस सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर एटम्स की होती हैं जैसे कि हमने गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के की बात की है कि वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एटम से मिलकर बना होगा ठीक है और उसकी शेप क्या होगी कॉइन की तरह होगी, क्या होगी? क्या होगी? Next time we a structure of an atom. Atom kya structure. Hai? An atom consists of two regions as shown in the diagram in the figure 5.1. The center of the atom is called a nucleus. The nucleus contains protons and neutrons. Protons have a positive charge, whereas the neutrons have no charge. Means that they are neutral. द सेकेंड मस्ट लार्जर रीजन ऑफ द एटम इज द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड दे ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स चेल्स प्रोटॉस न्यूट्रॉस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सब अटोमिक पार्टिकल्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन ऐटम इज ऑलवेज द सेम विच मेक्स एन ऐटम अ न्यूट्रल एंडिटी अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐटम की तो उस के दो रीजन होते हैं ठीक है फर्स्ट रीजन में क्या होता है कि सबसे सेंटर में जो है हम उसको न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखें तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ठीक है प्रोटॉन पी फॉर प्रोटॉन पी फॉर पॉजिटिव मीन्स कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है इट्स मीन कि दे आर न्यूट्रल होते हैं सेकेंड रीजन की बात करें तो वो लार्जर रीजन होता है उसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारे पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड आपको नजर आ रहा होगा कि उसके अराउंड क्या करते रहते हैं ऑर्बिट करते रहते हैं या रोटेट करते रहते हैं अपने फिक्स शेल्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम कलेक्टिवली बोलते हैं सब अटोमिक पार्टिकल्स बोलते हैं उसके बाद बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एन एनआटम ओवर द ईयर्स जैसे जैसे साल गुजरते गए तो हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐटम इतना ही मजीद मॉडिफाइड होता गया ठीक है हाउ हैव अवर आइडियाज़ अबाउट एटम चेंज ओवर द ईयर दिस ग्राफी लुक्स एटमिक मॉडल एंड हाउ आर दे डिवेलप्ड सोलट्सफेयर मॉडल हमारे पास जोह डाल्टन एटीन जीरो थ्री में प्रेजेंट किया था प्लम पडिंग मॉडल हमारे पास जे जे थॉम्सन 1904 जीरो फोर में उसने प्रेजेंट किया न्यूक्लियर मॉडल हमारे पास अरनेस्ट रदर फोर में किया मॉडल हमारे पास नील्स बोहर 1913 में किया एंड क्वांटम मॉडल हमारे पास अरविन शोडिंगर 1926 में किया एटम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर अगर हम आस पास देखें तो हर जगह पर ऐटम प्रेजेंट है फ्रॉम योर कार टू योर बाईसाइकल अ लेडर अ चेयर अ योर कैट एंड इवन योर बूट्स हमारे पास कार बाइसाइकल लेडर हमारे पास जो सीढ़ियाँ हैं चेयर है कैट है इवन के हमारे जो बूट्स हैं वो सब चीज़ें जो हमारे पास किससे मिलकर बनी हुई हैं ऐटम से मिलकर बनी हुई हैं दे आर टाइनिंग एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई दे फॉर्म द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एटम इतना स्मॉलेस्ट होता है कि हम लोग उसको नेकेडाइज मिलता कि आम आँख से नहीं देख सकते उसको देखने के लिए हम लोग स्पेशल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं देन हमारे पास है अटोमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर और अटोमिक नंबर एंड इट इज प्रजेंटेड एट सी

हैं उनको हम लोग बोलते हैं वो उसका क्या है अटोमिक नंबर है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस लेटर से जेड से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हर एटम के जो हमारे पास एक एलिमेंट का उसके डिफरेंट नंबर होगा दूसरा आइटम उसका अटोमिक नंबर डिफरेंट होगा मींस कि हर एलिमेंट्स का डिफरेंट अटोमिक नंबर होता है जैसे कि हम लोग बात करें कि एक एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन सिक्स हैं तो इट्स मीन कि उसका अटोमिक नंबर क्या है सिक्स है एक और, और उस का क्या बोलते हैं कार्बन बोलते हैं अगर हम लोग एक एलिमेंट की बात करें फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हमने बात की है कि उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एट हैं इट्स मीन कि उसका अटोमिक नंबर क्या है हमारे पास एट है अगर हम लोग बात करें मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर तो उसमें हम लोगों ने जो एलिमेंट्स के हैं उनको किस तरह अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑटोमिक नंबर कि हमने ऑटोमिक नंबर्स की बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को प्रोडक्ट टेबल के अंदर अरेंज किया है और हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमें किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी बताते हैं मास नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इज द मास नंबर ऑफ एन एटम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर ए बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ कार्बन हैज सिक्स सिक्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन दैट्स इट्स मास नंबर इज 12 अब मास नंबर हमारे पास क्या अटोमिक नंबर जो हमारे पास था वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था लेकिन जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो देन हमारे पास तो हम उसका क्या फाइंड आउट कर लेते हैं मैथ नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं न्यूक्लियॉन्स का नेम देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कार्बन की बात करें तो हमने कार्बन की पहले बात की कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिक्स होते हैं तो उसके सिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो हम लोग सिक्स प्लस सिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा तो इट्स मीन कि कार्बन का मैथ नंबर क्या है हमारे पास ट्वेल्व आ गया तो हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूटॉन्स को जब ऐड कर लेते हैं उनको सम अप कर लेते हैं तो देन हमारे पास मैथ नंबर फाइंड आउट हो जाता है जैसे कि हमारे पास नीचे कार्बन में हमारे पास मेंशन भी है उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट एक्स है जो ए है वो उसका मैथ नंबर रिप्रेजेंट करे है, और जेड जो हमारे पास वो उसका अटोमिक नंबर है देन है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटोन्स आर वी कैन से इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर हम लोग ने जो प्रोडक्ट टेबल है उसको हम लोग एलिमेंट्स uh, को किस तरह अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटोमिक नंबर या फिर हम लोग सेकेंडली इसको कह सकते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ प्रोटोन्स की बेसिस पे हम आइटम्स को प्रोडक्ट टेबल के अंदर अरेज करते हैं Horizontal rows are also called periods that show the same number of shells for the elements there are 7 periods in the periodic table elements like hydrogen and helium are in the period 1 which means that they have one orbit of the electron elements such as sodium and magnesium aluminum are in the period 3 meaning that they have three electron औरबिट्स हॉरिजोनटल रोज़ जो आपको नज़र आ रही हैं हमारे पास पीरियड प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितनी भी हॉरीजोंटल रोज़ होती हैं उनको हम लोग पीरियड्स का नेम देते हैं और इनके हमारे पास क्या होते हैं नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं एलिमेंट्स के सेम रहते हैं अब प्रोडक्ट टेबल के अंदर टोटल कितने हमारे पास पीरियड्स होते हैं सेवन पीरियड्स होते हैं जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो ये पीरियड नंबर वन में होते हैं और इनका ऑर्बिट नंबर वन होता है और एलिमेंट जैसे कि हमारे पास सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये पीरियड नंबर थ्री में होते हैं और इनका ऑर्बिट भी कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन का नंबर थ्री ऑर्बिट होगा देन हमारे पास है वर्टिकल कॉलम्स वर्टिकल कॉलम्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप्स देयर आर 18 ग्रुप्स एंड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल ग्रुप 18 has the noble gases helium neon argon radon krypton and xenon which have the melting and boiling points and they each are colorless odorless tasteless and non-flammable this group is also called as low chemical reactive group अब जो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितने भी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग नेम देते हैं ग्रुप्स का नेम देते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और उन हर एक की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर ग्रुप की ग्रुप नंबर 18 के अंदर नोबल गैसेस होती हैं हीलियम नियॉन आर्गोन रेडोन क्रिप्टोन होते हैं और जीनॉन होती हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉयलिंग पॉइंट्स बहुत दो होते हैं और ये सारे की सारी कलर लेस होती मीन्स कि इनका कोई कलर नहीं होता ओडोरलेस मीन्स कि इनकी कोई स्मेल नहीं होती टेस्ट लेस मीन्स कि इनका कोई टेस्ट नहीं होता एंड नॉन फ्लेमेबल मीन्स कि इनको हम लोग जो है जला नहीं सकते ठीक है और इसको ग्रुप को बोलते हैं लो केमिकल रिएक्टिव ग्रुप का नेम दिया जाता है उसके बाद हम लोग साइड पे प्रोडक्ट टेबल के अंदर नजर आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स फर्स्ट हमारे पास फाइंडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द अटोमिक नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट टेबल ऑक्सीजन हैज़ द

अटोमिक नंबर उसके साथ में प्लेस करते हैं फाइंडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड बाई सब्ट्रैक्टिंग द अटोमिक नंबर फ्रॉम द अटोमिक मैस बोथ ऑफ दिस नंबर्स कैन बी फाउंड इन द टेबल द अटोमिक नंबर इज लिस्टेड अबव द सिंबल ऑफ द एलिमेंट वेयर एज द मैथ नंबर इज प्लेस्ड बिलो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अटोमिक मैस को टॉमिक नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दें ए माइनस जेड कर दें तो देन हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कर सकते हैं हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं फाइंडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट आर इक्वल देयर फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन इज एट दीज सब अटोमिक पार्टिकल्स Electrons and protons have opposite charges, they cancel out and keep the atom neutral. अब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं हमारे पास अटोमिक नंबर के इक्वली होते हैं हमेशा किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे अगर फॉर एग्जांपल हमने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की बात की है कि उसके एट हैं तो इट्स मीन कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं एट हैं हमारे पास और हमारे पास बात करें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इनके ऑपोजिट चार्जेस होते हैं मींस के प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इस तरह यह अपने चार्जेस इनके ऑपोजिट होते हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इनके ऊपर ओवरऑल एटम के ऊपर हमारे पास क्या चार्ज आ जाता है न्यूट्रल चार्ज जा आ जाता है देन हमारे पास एक, एक एक्टिविटी है फाइंडिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है उन्होंने कहा है कि एन एटम हैज़ एन एटॉमिक नंबर नाइन एंड अ मास नंबर इज़ नाइनटीन आपका अटोमिक नंबर दे दिया गया कि एलिमेंट है उसका अटॉमिक नंबर नाइन है और मास नंबर हमारे पास क्या है उसका नाइनटीन है अब हमारे पास क्या होता है कि हमने डिटर्मन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एट आपको पता है कि अटोमिक नंबर क्या है हमारे पास नाइन है तो इट्स मीन कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने हैं नाइन है तो इसके अंदर हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पे नाइन लिखेंगे डिटर्मन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को किस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मैथ नंबर को अटोमिक नंबर से माइनस प्रोटॉन्स के साथ या अटोमिक नंबर से क्या कर लेते हैं माइनस आउट कर लेते हैं नाइनटीन में से नाइन माइनस करेंगे तो हमारे पास टेन आ जाएगा तो इट्स मीन कि हमारे पास कितने हमारे पास अब न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर टेन न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं डिटरमिन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइन होंगे हमने पहले बात की है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसी एलिमेंट के अंदर सेम होते हैं तो अगर प्रोटॉन नाइन है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास कितने वो 9 होंगे वो नाइन ही प्रेजेंट होंगे देन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल अब हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है शेल्स के अंदर जस्ट लाइक द वे प्लानट्स ऑर्बिट अराउंड द सन एलिमेंट्स कैन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड और सर्कुलर पास अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम दीज फिक्स सर्कुलर पास आर कॉल्ड शेल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जैसा कि आपको पता है कि हमारे अगर सोलर सिस्टम के अंदर देखा जाए तो आपको पता है कि सेंटर में सोलर होता है और सन होता है और इसके अराउंड प्लान्स क्या कर रहे होते हैं ऑर्बिट कर रहे होते हैं सेम इसी तरह हमारे पास क्या होता है एटम के अंदर दरमियान में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड क्या कर रहे होते हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर अब इन फिक्स सर्कुलर पाथ जिसके अंदर रिवॉल्व करें उसको हम नेम देते हैं शेल्स का नेम देते हैं और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हमारे पास उसको क्या नेम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नेम देते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय अ फार्मूला टू एंड स्केयर वेर एंड इज अ नंबर ऑफ शेल्स द फ्स थ्री शेल्स आर कॉल्ड के एल एम एंड दे आर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फॉर इंस्टेंस द के शेल इज़ इन द फर्स्ट शेल एंड इट कैन होल्ड अप टू टू वन स्केयर इज ईक्ल टू टू अलेक्ट्रॉन्स इन द सेम द एल शेल इज़ द सेकेंड शेल एन इट कैन होल्ड अप टू 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 स्केयर इज इक्वल टू एट अलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक फार्मूला हो तो हमारे पास टू एन स्केयर जिसमें एन हमारे पास क्या है नंबर ऑफ शेल्स हैं जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे हम वहाँ पे एन पुट करते जाएंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास शेल्स हैं के एल एम अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है तो हमारे पास वो होगा एन की जगह हम वन पुट करेंगे तो हमारे पास उसके अंदर फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अब हम सेकंड शेल की बात करें तो हमारे पास वहाँ पे पुट करेंगे टू तो हमारे पास एट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रहा है हाउ मनी इलेक्ट्रॉन डू यू थिंक डेट द एम शेल कैन होल्ड एम शेल के अंदर देखें तो एन इज इक्वल टू थ्री है तो उस फार्मूला जो आपके पास टू एन स्कीयर था उसी के अंदर एन की जगह आपने थ्री पुट कर देना है तो आपके पास वहाँ पे क्या आंसर आएगा एटीन आंसर आ जाएगा इट्स मीन कि थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एटीन इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके बाद नीचे आपके पास कंपोजिशन ऑफ एटम ऑफ द फर्स्ट एटीन एलिमेंट्स के आपके पास दी हुई हैं हमारे पास उसके अंदर सिंबल ऑटोमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हमारे पास उसके अंदर फाइंड आउट की हुई है अगर हम लोग बात करें पेज नंबर सिक्सटी फाइव पे अटोमिक नंबर वन है हमारे पास और प्रोटोन हम उसके अंदर चेक करेंगे और अटोमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अंदर जस्ट वन प्रोटॉन होता है उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता और कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसके स्ट्रक्चर में देखें तो वन प्रोटॉन वन न्यूट्रॉन और उसके अंदर हमारे पास क्या है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और फर्स्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे हमारे पास क्या है जीरो है सेकेंड बात करें लीथियम की लीथियम के अंदर इसका थ्री प्रोटॉन्स हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन्स फोर और थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास और उसके फर्स्ट शेल के अंदर देखें तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन था वो हमारे पास सेकेंड शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है थर्ड की बात करें बुर बुरोन हैज़ फ़ाइव प्रोटॉन्स सिक्स न्यूट्रॉन्स एंड फाइव इलेक्ट्रॉन्स इसकी बात करें तो फर्स्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस तरह फाइव इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इसके अंदर ऑक्सीजन हैज़ एट प्रोटॉन्स एट न्यूट्रॉन्स एंड एट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की बात करें तो इसके हमारे पास एट इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कि फ़र्स्ट शेल के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हमारे पास सेकेंड वाला शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं क्लोरन हैज़ सेवनटीन प्रोटॉन्स एटीन न्यूट्रॉस एंड सेवेंटीन इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास इस क्लोरिन की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड शेल के अंदर एट इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल्स के अंदर क्योंकि सेकंड शेल के अंदर एट इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं आ सकते तो एट इलेक्ट्रॉन वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया पीछे सेवन रह गए तो उसको हम लोग कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं थर्ड शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं देन हमारे पास है डू यू नो एटम्स ऑफ द नोबल गैसेज आर लेस रिएक्टिव And stable due to their complete outermost shells. The maximum number of electrons filled in the first shell is 2 This is called the doublet. Helium has a doublet. Atoms जो noble gases के होते हैं वो बहुत less reactive होते हैं और less stable होते हैं। तो इनके क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो shells होते हैं या outermost shells होते हैं वो क्या होते हैं? Complete हो जाते हैं। और फर्स्ट शेल के अंदर इनके ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दैट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं डुबलेट डुबलेट्स जो है वो डबल से निकला है डबल हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट्स वाई हीलियम हैज़ अ डुबलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी फील्ड इन द सेकेंड शेल इज़ वाई एट दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट नियॉन अटोमिक नंबर इज इक्वल टू टेन हैज़ एट इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड हैज़ अ कम्प्लीट ऑक्टेट हमारे जब सेकेंड शेल के अंदर एट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसको हम ऑक्टेट बोलेंगे ठीक एट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कहलाएंगे और हमारे पास नियॉन जो है उसके एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऑटोमोशेल के अंदर दैट्स वाई इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स हैं An atom is made up of three subatomic particles proton electrons and neutrons An atom is electrical neutral This means that in the atom the number of protons is equal to the number of electrons Mass number of an element is the sum of the number of the protons and the number of the neutrons present in the nucleus atom, Atomic number is the number of protons in an atom and the distribution of the electrons in their shells is called electronic configuration दैन लास्ट वन हमारे पास है यूनिट ऑफ एंड ऑफ यूनिट असैसमेंट नंबर वन इज़ एम सी क्यूज चूज द करेक्ट ऑप्शन नंबर वन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कैरी नो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यूनिट चार्ज न्यूट्रॉन की उपर इज़ द बेस्ट ऑप्शन नो इलेक्ट्रिक चार्ज सेकेंड इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल एटम सेल डी एन ए बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऐटम थर्ड इज एटम कार्बन हैज द मैस नंबर ऑफ ट्वेल्व इट हैज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हमने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉस बताने इज़ द बेस्ट ऑप्शन सिक्स प्रोटॉन सिक्स न्यूट्रॉन फोर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेंस प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉस इलेक्ट्रॉस एंड प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डी इज द बेस्ट ऑप्शन न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जस्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं नंबर फाइव प्रोटॉन्स कैरी डैश पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नो चार्ज ज़ीरो चार्ज मैंने बात की थी कि पी फॉर प्रोटॉन पी फॉर पॉजिटिव तो हमारे पास प्रोटिया प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज दैट्स वाई इज़ द बेस्ट ऑप्शन सिक्स द अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट टेल्स द नंबर ऑफ डैश ए इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बी प्रोटॉन्स ऑनली सी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डी न्यूट्रॉस ऑनली बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन अटोमिक नंबर हमें जस्ट क्या बताते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन सी इफ़ द ऑटोमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन इज़ प्रोटीन एंड इट हैज सेवन न्यूट्रॉन्स एंड हाउ मनी इलेक्ट्रॉ डज ए न्यूट्रोजन आइटम हैव नाइट्रोजन आइटम के अंदर अगर उसका अटोमिक मैस हमारे पास फोर्टीन है सिक्स न्यूट्रॉन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने होंगे सेवन ही प्रेजेंट होंगे देन एट इज़ द मैथ नंबर ऑफ एन एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैथ नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी जेड या एम ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन ए नाइन कैपिट नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट विद द सिंबल एन एंड एटॉमिक नंबर इज सेवन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज रिप्रेजेंटेड एट साइड पे हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हमारे पास फर्स्ट के अंदर देखिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टू हैं और सेकंड के अंदर फाइव है तो दैट्स वाई इज द बेस्ट ऑप्शन टू एंड फाइव नंबर टेन व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट इन द टेबल आपको पास सीक्वेंस आपने बताना है तो सबसे पहले हीलियम आएगा हमारे पास देन हमारे पास लिथियम ब्रिलियम एंड देन नाइट्रोजन तो ए इज द बेस्ट ऑप्शन देन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं नंबर वन इज एन एटम हैज एन अटोमिक नंबर ऑफ एट एंड द मैथ नंबर ऑफ सिक्सटीन हमारे पास एक एटम है उसका अटोमिक नंबर एट है और मैथ नंबर हमारे पास क्या है सिक्सटीन है मैंने उसका साइड पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है डिटर्मन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एट तो आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है हमारे पास अटोमिक नंबर होता है तो अटोमिक नंबर अगर एट है तो मैथ्स नंबर भी क्या? इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे हमारे पास एट होंगे सेकेंड है डिटर्मन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एट तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम लोग न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कर लेते हैं तो सॉरी uh, जो हमारे पास मैथ uh, नंबर होता है उसको माइनस कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो सिक्सटीन माइनस एट करेंगे तो हमारे पास एट आ जाएगा तो इट्स मीन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर कितने प्रेजेंट हैं एट प्रेजेंट है सी है. है हमारे पास डिटर्मन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो हमने बताने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे एट होंगे सेकेंड इज फाइंड द मीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट टेबल फ्रॉम द डिक्शनरी एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन टू द पीरियड्स एंड द ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट टेबल आपने प्रोडक्ट टेबल प्रोडक्ट का डिक्शनरी से मीनिंग बताना है और एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर किस तरह अरेंज किया जाता है उसको आपने एक्सप्लेन करना है आंसर इज अ टेबल इन विच द कैमिकल एलिमेंट्स आर अरेज इन दर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर आर कॉल्ड पीरियड्स एक ऐसा टेबल जिसमें हम लोग केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अटोमिक uh, नंबर की बेसिस पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं या प्रोडिक टेबल बोलते हैं एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज इन द सेम कॉलम कॉल्ड अ ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज को जब रखते हैं सेम कॉलम के अंदर हम उसको बोलते हैं ग्रोप एंड द एलीमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स आर अरेज इन द सेम रो कॉल्ड अ पीरियड और जब हम लोग एलिमेंट्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स उनके सेम हो तो हम लोग सेम रो के अंदर उसको रखते हैं तो देने हम उसको क्या बोलते हैं पीरियड्स का नेम देते हैं देन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं नंबर वन इज़ वट इज़ एन एटम एटम क्या है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐटम इन द टर्म्स ऑफ प्रोटोन न्यूट्रॉन्स एंड एन इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल दट द एटम इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हमारे पास एटम क्या है उसके स्ट्रक्चर को बताना है इन दी टर्म्स ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की और हमने बताना है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किस तरह है हमारे पास इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर सिक्सटी पे है सबसे पहले द मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एन एटम कॉन्सिस्ट ऑफ टू रीजन्स सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस द न्यूक्लियस कंटेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज वेयर एज द न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज मीन्स दे आर न्यूट्रल द सेकेंड मस्ट लार्जर रीजन ऑफ द एटम इज अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉस एलेक्ट्रॉन कैरी अर नेगेटिव चार्ज एंड दे ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्शियल्स प्रोटोन न्यूट्रॉन्स एंड अलेक्ट्रॉस आर कॉल्ड सब अटोमिक पार्टिकल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉस ऑफ एन ऐटम इज ऑलवेज द सेम विच मेक्स एन ऐटम अ न्यूट्रल आइडेंटिटी देन आपके पास स्ट्रक्चर है फाइव पॉइंट वन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐटम ये आपने स्ट्रक्चर जो है ये इसके साथ ड्रॉ करना है दैन आपका क्वेश्चन ये होगा कंप्लीट होगा इसके साथ देन हमारे पास सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ इज़ द प्रोडक्ट टेबल अ वे टू डिकर्गेनाइज एलिमेंट्स इन सिस्टमैटिक मैनर वट आर द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द प्रोडक्ट टेबल एंड हाउ आर दे हेल्पफुल प्रोडक्ट टेबल को इन द जो एलिमेंट्स को आपने ऑर्गेनाइज किया अरेंज किया सिस्टमेटिक मैनर में और रोज और कॉलम्स क्या हैं और ये किस तरह हमें हेल्प आउट करते हैं इसका आंसर हमारे पास है द एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट टेबल आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑटोमिक नंबर Each box represents an element and contains its atomic number, sim symbol, average atomic mass, and sometimes name. The elements are arranged in 7 horizontal rows called periods. Vertical columns are also called groups. There are 18 groups and they have different properties. एलिमेंट्स जो हमारे प्रोडीट टेबल के अरेंज किस तरह करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटोमिक नंबर और हर बॉक्स के अंदर उसका एलिमेंट उसका अटोमिक नंबर उसका मास नंबर उसका सिम्बल हमारे पास प्रेजेंट होता है सेवन हॉरिजोंटल रोज होते हैं जिनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं और हमारे पास एटीन वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम लोग क्या नेम देते हैं ग्रुप्स का नेम देते हैं देन हमारे पास है डी स्ट्रक्चर क्वेश्चनस द डायग्राम शो एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐटम रिकोगनाइज द एटम आपके पास सबसे पहले ऐटम दे दिया गया है उसका आपने बताना है कि उस स्ट्रक्चर को उसके उस एटम का नेम क्या है रिकोगनाइज करना है इस एटम के अंदर हमारे पास इलेवन प्रोटॉन और इलेवन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और जबकि न्यूट्रॉन हमारे पास ट्वेल्व हैं तो ये हमारे पास ऐटम जो है हमारे पास सोडियम है सेकेंड इज हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस एटम तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एलेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं थर्ड इज़ वॉट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन चूज़ फ्राम नेगेटिव न्यूट्रल और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है नंबर फोर इज गिव द नेम्स टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस तो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हैं के एल एम एंड एन सेकेंड क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑन ऑफ एन एटम कंटेन टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स वट आर द नेम्स ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे पास प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करते हैं उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं सेकेंड है वट इज़ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इलेक्ट्रिकल चार्ज कौन से एटम के ऊपर हमारे पास नो इलेक्ट्रिकल चार्ज दैन या फिर हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं थर्ड क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट एटीन एलमेंट्स शोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉस राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉस इन द न्यूक्स एंड कलर द इलेक्ट्रॉन्स इन बलू कलर आपके पास एटीन एलिमेंट्स दे दिए गए हैं आपने इनके नंबर ऑफ अलेक्ट्रॉन्स को ब्लू पेन के साथ आपने इसको ड्रॉ करना है फर्स्ट रो जो है वो मैंने कम्प्लीट कर दी है सेकेंड आपका होमवर्क है फर्स्ट में आप लोग देखिए हीलियम के मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हैं लिथियम के थ्री ब्रिलियम के फोर ब्रोन के फाइव कार्बन के सिक्स नाइट्रोजन के सेवन ऑक्सीजन के एट फ्लोरीन के नाइन और नियॉन के टेन देन सोडियम टू ऑर्गेन इज योर होमवर्क एंड द लास्ट वन इज़ प्रोजेक्ट वर्क प्रोजेक्ट वर्क डिज़ाइन एंड बिल्ड अ थ्री मॉडल ऑफ द स्पेसिफिक एटम ऑफ योर चॉइस showing that the atomic structure including proton neutrons and electron the model must be free standing and creative aapka project work hai jisme aapne kya karna hai 3d model banana hai atom ka apni bhi koi bhi atomic structure aapne le lena hai 18 jo aapke paas elements hai unme se उनमें जिसमें आपके protons, electrons और neutrons भी हों और model आपके पास फ्री स्टैंडिंग और creative होना चाहिए तो इसमें हमारे पास मैं आपके साथ कुछ थ्री डी मॉडल्स की पिक्चर शेयर कर रही हूँ इनको साथ आप देख लें इस तरह के मॉडल्स आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर माई वीडियो अल्लाह हाफिज़